सोमवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 219 केंद्रों पर कुल 21,158 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 5,056 और सेकेंड डोज लेने वालों में 16,102 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जनपद में अब तक कुल 38,20,000 से ज्यादा लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया है। उन्होंने बताया कि अभी भी जनपद में 9 लाख से अधिक लोग फर्स्ट डोज से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग फर्स्ट डोज लगवाने के बाद सेकेंड डोज नहीं लगवाए हैं, वह अपने नजदीकी सेंटर या जिला अस्पताल में जाकर वैक्सीनेशन करा लें। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी अस्पताल सीएससी पीएससी तथा जिला अस्पताल पर निःशुल्क वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना के नए वेरियंट को देखते हुए अपने आप को सुरक्षित रखें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, ठीक है 54 आज हमारे जनपद में 219 जगहों पर टीकाकरण चल रहा है। अभी तक हमने 38,20,000 से ज़्यादा टोटल डोज लगा रखे हैं, और उनमें से 24,81,000 प्रथम डोज और 13,36,000 सेकेंड डोज लगा हुआ है। अभी भी हमारे जनपद में करीब 9 लाख के आसपास प्रथम डोज से भी वंचित हैं, लोगों ने अपनी एक भी टीकाकरण नहीं लगाया है, और करीब 2.5 लाख के आसपास वो लोग हैं जिनका सेकेंड डोज ड्यू पूरा हो चुका है, 84 दिन कोविशील्ड से और 28 दिन कोवैक्सीन से पूरा हो गया है। इन दोनों लोगों से हमें अपील है कि सभी लोग हमारे सेंटरों पर आएँ, हमारे सभी अस्पताल सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण चल रहा है, क्योंकि थर्ड वेव की संभावना बन रही है। इसके पहले कुछ ऐसी कोई इन्फेक्शन फैले, सभी लोग अपना टीकाकरण करा लें, और जिससे कि अपने को प्रतिष्ठित रहें।